गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात की थी और तब आपको बताया था कि किसी भी फ्लावर में जो मिडिल पार्ट होता है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसे हम गाइनिशियम के नाम से जानते हैं और गाइनिशियम में सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक क्लास में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ओव्यूल्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होती है। तो ओव्यूल्स आपने देखा कि ओवरी के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है जिसे हमने ओव्यूल हिंदी में इसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनकी संख्या क्या है, तो आपको बता दूं कि हर एक फ्लावर्स में ओव्यूल्स की संख्या अलग अलग होती है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर उसकी दीवार से लगे होते हैं और हर फ्लावर में इनकी संख्या डिफरेंट होती है। अगर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो हम पाते हैं कि ओव्यूल जो होता है लगभग एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बेसिक पार्ट होता है फ्यूनिक। फ्यूनिकल एक स्टार्क जैसी रचना होती है जिसकी हेल्प से ये ओवरी वॉल से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में कि जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा ओवरी की दीवार से जुड़ता है, मतलब फ्यूनिकल एक स्ट्रैंड की तरह काम कर रही है। तो ये आपका फ्यूनिकल हो गया। इसके बाद ओव्यूल का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें ये जो सेल्स है ज़्यादातर जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को हम न्यूसेल्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिक पार्ट हो गया दैट इज फ्यूनिकल और जो सबसे ज्यादा एरिया है जो कवर कर रहा है सेल्स को ओव्यूल के अधिकांश भाग को इसे हम कह रहे हैं न्यूसेल्स। अब यहाँ पर दो अपोजिट एंड्स पाए जा रहे हैं। एक एंड है माइक्रोपाइल। आप देख सकते हैं ओव्यूल के अंदर जाने का रास्ता या हम कह सकते हैं बीजांड द्वार हिंदी में, तो उसे हम क्या कह रहे हैं माइक्रोपाइल। तो दिस वन इज द माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल के अपोजिट में हमेशा होता है चलाजा। तो दिस इज द माइक्रोपाइल एंड दिस वन इज द चलाजा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वाला एरिया माइक्रोपाइल पोल यानी कि माइक्रोपाइल ध्रुव है और दूसरे अपोजिट में इसके चलाजा पोल पाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ एक दो दो आपको ये जो परतें जैसी दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स या अध्यावरण हिंदी में। और ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं इनकी संख्या एंजियोस्पर्म में आपने देखा कितनी दिख रही है आपको, दो। तो आप कह सकते हो कि जो एंजियोस्पर्म होता है वो बाइटेगमिक ओव्यूल वाला होता है। बाइटेगमिक ये जो टर्म है ये कह किस लिए है कि ओव्यूल्स के बाहर आपने देखा यहाँ पर दो लेयर्स दिख रहे हैं और हमारी बायोलॉजी में दो के लिए क्या शब्द आता है बाई, बाई माने दो। तो बाइटेगमिक का मतलब हुआ देयर आर टोटल टू इंटीग्यूमेंट्स। इसके विपरीत आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो तो सॉरी एंजियोस्पर्म होते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल वाले जबकि जिम्नोस्पर्म होते हैं यूनिटेगमिक। आप देख सकते हैं मैं एक डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट कितनी दिख रही है, एक दिख रही है। इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं यूनिटेगमिक। और जब हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तभी क्या कहलाएगा आपका बाइटेगमिक। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है यूनिटेगमिक ओव्यूल और एंजियोस्पर्म के अंदर होता है बाइटेगमिक ओव्यूल। तो सबसे बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट्स दिख रही है और ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर कितनी है दो है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ओव्यूल के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ओव्यूल के अंदर ये जो थैलीनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो सैक कहते हैं। हिंदी में इसे हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देख सकते हैं तीन और तीन छः और दो आठ, टोटल आपको कितनी सेल्स दिख रही हैं एट सेल्स दिख रही हैं। इनमें से तीन सेल्स आपको चलाजा की ओर यानी कि चलाजा पोल पर पाई जाती हुई दिख रही हैं जबकि तीन सेल्स आपको दिख रही हैं माइक्रोपाइल की तरफ। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं कि जो सेल्स चलाजा पोल की तरफ तीन सेल्स पाई जा रही हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। मैंने यहाँ पर इनको ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। दीज आर द एंटीपोडल सेल्स, हिंदी में बोलेंगे आप प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। इसके बाद दो सेल्स आपको मिड में दिख रही हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज की एक खास बात है कि फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले दोनों पोलर बॉडीज आपस में मिल जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके बारे में डिटेल हम अपने आगे के वीडियोज में जानेंगे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है। अभी के लिए ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली दोनों पोलर बॉडीज निषेचन से ठीक पहले आपस में मिल जाती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। आपको यहाँ पर और मेंशन कर दूँ कि ये जितनी भी सेल्स होती हैं ये सभी एन नंबर की होती हैं, ठीक है। तो
ये तीन सेल्स हो गई चलाजा पोल की तरफ जिनको आपने कहा एंटीपोडल सेल, बीच में दो सेल्स हो गए इनको आपने क्या कहा पोलर बॉडीज, एंड फाइनली जो तीन सेल्स आप माइक्रोपाइल पोल की तरफ देख रहे हैं इन सेल्स को मैं जो नीचे की तरफ दो सेल्स मैंने ब्लू कलर से बनाई है दीज आर नोन एज सिनर्गेट्स, हिंदी में आप सहायक कोशिकाएं कह सकते हो। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट सेल है जिसे हम कहते हैं एग सेल या अंड कोशिका। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ओवल में एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वैस्कुलर स्ट्रैंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओव्यूल को फूड भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, सॉरी पानी भी चाहिए, तो फूड और वाटर इन दोनों के कंडक्शन के लिए, इन दोनों के संवहन के लिए ओव्यूल में आप एक ये स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड, आप इसे वैस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। ये वैस्कुलर बंडल ओव्यूल के अंदर फूड और वाटर दोनों की सप्लाई करने का काम करता है। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई ये सारी ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी। आई रिपीट किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं एक बार आप फिर से जान लें। सबसे बेसिक पार्ट दिस वन, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं फ्यूनिकल, हिंदी में बोलेंगे बीजांड ग्रंथ, और इसी की हेल्प से ये जो ओव्यूल है वो ओवरी की दीवारों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, ये रास्ता जो ओव्यूल के अंदर जाता है इसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को हम चलाजा कहते हैं। ओव्यूल का अधिकांश भाग म्यूसिलस कहलाता है। ओव्यूल के बाहर दो दो परतें आपको दिखाई दे रही है जिन्हें हम इंट्यूबमेंट्स कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एक वैस्कुलर बंडल है जो इसमें फूड और वाटर की सप्लाई करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओव्यूल के बीच में एक थैलियोमा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल 8 सेल्स या आप कह सकते हो 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें से 3 सेल्स चलाजा पोल की ओर है जिनका नाम है एंटीपोडल सेल्स यानी केंद्रक ध्रुवीय कोशिकाएं। 2 सेल्स बीच में हैं जिन्हें हम पोलर बॉडीज कहते हैं, ये रिसेप्शन से ठीक पहले दोनों आपस में मिल जाती हैं और 2 एंटा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। जैसा कि दोनों एन और एन के हैं तो ऑब्वियसली दोनों मिलने के बाद 2 एंटा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। और इसी तरह से माइक्रोपाइल पोल की तरफ भी आप 3 सेल्स देख सकते हैं जिनमें से 2 सरोगेट्स कहलाती हैं और 1 सेल एग सेल कहलाती है। एग सेल के साथ ही मेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करता है, तो इसलिए जो एग सेल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के लिए बताना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।